ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय सेना के खौफ से आतंकवादी डरे हुए हैं। दक्षिण कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से डरे पाकिस्तानी अब उत्तर कश्मीर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन उत्तर कश्मीर में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हिजबुल कश्मीर में अपना नया बेस तैयार कर रहा है, साथ ही आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिले इसकी भी तैयारी कर रहा है। 3 तारीख को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को कुपवाड़ा में मार गिराया था और तौसीफ नाम के एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था। तौसीफ ने पूछताछ में यह पूरा खुलासा किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए हैं। सुमित, ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि अब वो अपना बेस जो है वो दक्षिण से उत्तर में शिफ्ट कर रहे हैं, अब सेना की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? शोभना जी, देखिए गंभीर विषय जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से अलर्ट हैं। वो लगातार इनकी मूवमेंट पर और इंट रिपोर्ट के हिसाब से क्लियर कर चुके हैं कि लगातार हिजबुल मुजाहिदीन की जो भी मूवमेंट हो रही है, खासतौर पर साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर में, वो सभी मूवमेंट्स के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज की नजर है। सबसे खास बात यह शोभना जी की लगातार जो हिजबुल है वो ना सिर्फ अपना बेस यानी अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है नॉर्थ कश्मीर में, बल्कि रेडिकलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसको भी बहुत एक्टिवली प्रोसेस में ला रखा है। सबसे ज्यादा जो चीजें देखने को मिली वो कुपवाड़ा के कई डिस्ट्रिक्ट्स हो, चाहे वो मच्छिल हो, केरन हो या फिर आपका बांदीपुरा, इन इलाकों के अंदर अपने बेसिस को मजबूत कर रहा है। यूथ को, जो 18 से 21 साल के जो यूथ है उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सबसे जो एग्जांपल मिलता है, जो ट्रेंड मिलता है, वो ये मिलता है कि अगस्त के महीने में 2 ऑपरेशन चलाए गए, खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा में ही, जिसमें 3 अगस्त को 2 आतंकियों को मार गिराया गया, बिलाल को और दूसरे जो आतंकी को, और दोनों ही करीबन 1 महीने पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर ज्वाइन किए थे और लगातार एक्टिव थे। दूसरा जो 5 तारीख को जो ऑपरेशन किया गया जिसमें जिंदा आतंकी तौसीफ को पकड़ा गया, उससे भी कई इनपुट मिले, जिसकी उम्र महज 21 साल के करीब बताई जा रही है, जो लोकल है कुपवाड़ा का ही, जिसकी तरफ से कई इनपुट मिले और यह बताया गया कि लगातार हिजबुल मुजाहिदीन जो है अपने बेसिस को ना सिर्फ एक्टिव कर रहा है बल्कि यूथ जो है उनको वहां से रेडिकलाइज कर एक लोकल सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट के लिए, जो लगातार इन्फिल्ट्रेट करते हैं इन्हीं इलाकों के आसपास से। जी शोभना जी, सुमित, जिस तरीके से ये अब दक्षिण से उत्तर में शिफ्ट कर रहे हैं, इनकी बौखलाहट साफ है, क्योंकि जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन क्लीन आउट चलाया हुआ है, ये बौखलाहट का ही नतीजा है कि इनको लग रहा है कि यहां नहीं तो शायद यहां हमारी दाल गल जाए। देखिए निश्चित तौर पर साउथ कश्मीर में हम शोफिया की बात करें, पुलवामा की बात करें, इन इलाकों के अंदर खासतौर पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई ऑपरेशन चलाए, चाहे हमने देखा अमरनाथ यात्रा के दौरान या फिर उसके बाद भी, ऑपरेशन से लगातार हिजबुल की जो कमर है या फिर कह सकते हैं कि उसका जो पूरा नेटवर्क है वो हिल गया है। यही वजह है कि अब ये मर्जर की यानी लगातार ये आतंकी संगठन जो है एक अम्ब्रेला के तौर पर काम कर रहे हैं कि जिसमें हिजबुल हो, जैश हो या फिर लश्कर हो, ये सभी आतंकी गुट एक दूसरे को सपोर्ट कर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि घाटी के अंदर अशांति फैलाई जाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इनकी पूरी चीजों के ऊपर ना सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। और ये ऑपरेशन जो हमने नॉर्थ कश्मीर में, मैं आपको बता रहा हूं कि रिसेंटली ज्वाइन जो हिजबुल के आतंकी थे उनके खिलाफ ये ऑपरेशंस में बिल्कुल कामयाबी मिलना, ये इनपुट मिलना, ये साफ दर्शा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।